हर्षित मोदी जी के साथ आपके रिलेशन कैसे थे शुरू में, जब आप शो में जुड़ी, स्टार्टिंग 5 ईयर्स, फिर अभी 5 ईयर्स, वो मतलब मिलते जुलते थे? मतलब आसिफ जी अब समझ में आता है, वो चांस जरूर लेते थे बिकॉज आई एम वेरी सी व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ इज कि मैं पारसी. उनको वो शुरू से मुझे बोलते थे कि पहली पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे बोला था, तुम पारसी हो, तुम तो ड्रिंक करती होगी. तो मैंने कहा हाँ. तो बोले क्या पीते हो? मैंने कहा विस्की. तो खूब हंसे थे, खूब हंसे थे. अरे तुम तो कितनी बिंदास हो यार, तुम तो विस्की बोलती हो. तो मुझे लगा उसमें क्या है, मतलब ओके आई हैव सीन, मतलब मेरे लिए ओके है क्योंकि मैंने बचपन से मेरे मतलब फंक्शंस में देखा है. एंड वंस ट्वाइस अ ईयर यू नो हमारे यहाँ फंक्शंस में होता है, दैट्स वेरी कॉमन. तो वो तब से मुझे बार बार बोलते थे कि आ जाओ कभी विस्की पीते, आ जाओ विस्की पीते. मतलब उनके ऐसे अब इंटेंशन ऐसे नहीं जाहिर होते थे. फिर कभी कभी वो मुझे बोलने लगे कि जैसे कभी ऐसे यू नो ऐसे निकल तो हंसते हुए बड़ी क्यूट लगती हो, ऐसे करके वो मेरा गाल खींचते थे. अब पहले नहीं लगता था मुझे कभी उनका ऐसा इंटेंशन, कि मैं भी उनको इनोसेंटली लेती थी. लेकिन फिर कुछ टाइम में कुछ चीजें ऐसी हुई कि उनके बारे में भी कुछ चीजें ऐसे पता चलने लगी. सेट पे कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहता है, कुछ चीजें ऐसे पता चलने लगी तो मैं थोड़ा कट ऑफ ही रहने लगी. और फिर मेरा वो थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट वाला चालू रहता था कोई चीज के लिए, क्योंकि फिर मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती थी. मुझे याद है वैनिटी के लिए कुछ इश्यू था, तो वैनिटी में हमारे ऊपर, हम लेटे हमारे ऊपर कॉकरोचेस चलते थे. सबसे गंदी गंदी से गंदी वैनिटी हमको मिलती थी, लेडीज को, लेडीज को, हाँ जेंट्स को नहीं. तो उसमें हम लोग ऊपर कॉकरोच चल रहे हैं. तो मैंने आसिफ जी को बोला था तो बहुत भड़क गए थे मुझे. तो मैंने सर हम कैसे खाएं, खाना रखा है हमारा, कॉकरोच चल रहे हैं अभी ये. तो वहां उनको बहुत प्रॉब्लम होता था. तो मुझे समझ में आया कि वो ना धीरे धीरे मेरे से एक थोड़ा कट ऑफ होने लगे. लेटर व्हेन आई केम बैक इन तारक मेहता दैट टाइम, तो फिर मैं पहले शुरुआत में तो इनिशियली टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड, सडनली सब चीजें चेंज हो गई थी. आसिफ जी वाज थोड़ा कट ऑफ थे वो मेरे साथ, एंड और किसी ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया. लेकिन जब मैं सिंगापुर गई तो मुझे लगता उस जगह पे उनको ऐसा लगा होगा कि अभी तो ये यू नो पारसी लड़की है और फ्रैंक है और आउट ऑफ इंडिया है, जो भी उनको लगा हुआ, आई डोंट नो, दैट्स व्हाट इज माय अजम्पशन. तो उन्होंने मुझे वो सब चीजें बोली कि मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और तुम रूम को, रूम में क्या करती हो, तुम्हारी रूम पार्टनर तो बाहर चले जाती है, अकेले रहती हो ना, आ जाया करो. ये सब मुझे जब, तो जब उन्होंने वो बोला कि तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और ऐसा लगता पकड़ के किस कर लूं, वो दिन मैं हिल गई कि यार ये आदमी इज नॉट ट्रस्टवर्दी. यू नेवर नो, अगर मेरे रात को आ जाएंगे मेरे रूम में, मैं क्या कर लूंगी, मेरी रूम पार्टनर भी नहीं रहती. तो दैट टाइम आई शेयर्ड विद थ्री ऑफ माई कलीग्स, जिसमें से एक ने कुछ नहीं किया, एक ने यू नो मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में, थोड़ा मैनिपुलेटिव होके, डिप्लोमेटिक होके, क्योंकि ही इज ऑल्सो वर्किंग देयर. तो ऐसे बार बार है इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके वो खड़े हो जाते थे. और एक जन ने आसिफ जी को बहुत चिल्लाया कि क्या बोल रहे हो उसको बार बार रूम में आ जाना, बिस्की पीना, क्या फालतू बकवास कर, क्योंकि वो जिस तरीके से है वो ब्लंट है. तो जी उसने बोला, इस चीज का नतीजा ये हुआ कि आसिफ जी मेरे से टोटल कट ऑफ हो गए. अब वो मुझे देख के सिर्फ चिल्लाते थे, सिर्फ टॉन्ट मारते थे, सिर्फ उल्टा सीधा बोलते थे. मैंने वॉज इन वेन वी केम बैक टू इंडिया, हमेशा चाय पी रही, चाय क्यों पी रही हो, नहीं चाय नहीं पीते, काले हो जाते हैं, धूप में क्यों खड़ी हो, यहाँ खड़े हो, वहां पानी गिरेगा, उधर आओ, किताब क्यों पढ़ रही हो, किताब नहीं पढ़ने का, सेट पे डायल हो गया. तो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम इन मी. तो इसके अलावा एज सच मुझे जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है. आप जैसे पोर्ट्रे करोगे आपको वैसे ही लिया जाएगा. एंड जो लोग हमेशा जो बोलते हैं कि हमको कि इन्फ्लुएंस से काम होता है, या यू नो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती. मेरा तो जीरो इन्फ्लुएंस था. मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने तो सिर्फ भगवान को बोला था कि भाई एक इंसिडेंट, एक चीज में शेयर करना चाहूंगी. तो 7th मार्च वॉज माई बुआ रोशन कुई डेथ एनिवर्सरी ऑल्सो इन 1993, एंड एग्जैक्ट 15 साल बाद 7th मार्च 2008 को आई वॉज प्रेइंग टू हर, शी वॉज माई आइडल, कि रोशन कुई मैंने 4.5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना कुछ अच्छा नहीं मिला. आई वॉन्ट समथिंग कि जिसको लोग बहुत प्यार करें, बहुत इज्जत दें, मेन इज्जत दें और प्यार करें और खुश रहे. एंड मैं बहुत हेक्टिक भी नहीं हूँ मेरा शूट, यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट थोड़ा सा ऐसा. तो उन्होंने मुझे
उसी दिन मुझे फिर तारक मेहता से फोन आया, दैट कांट बी कोइंसिडेंस के माय नेम वाज रोशन इन दैट, तो उनकी ब्लेसिंग थी। तो यही है कि देखो मेरा ये कहना है कि आपके अगर इंटेंशन सही हो, आप मेहनत करते रहो, और तो आपका लक ऐसे आप हो जाएगा, ऊपर वाला आपकी नियत देखता है, दैट्स इट। अभी भी ये जो मैंने किया है, मेरा करने का कुछ नहीं था कि मैं करूंगी, दिस इज द थिंग विच यूनिवर्स फोर्स्ड मी, बट माई इंटेंशन आर प्योर, हैड टू डू दिस होल थिंग, एंड बिकॉज माई इंटेंशन आर प्योर, आई कैन अश्योर दैट आई विल विन, नो मैटर वॉट आई विल विन। मैम डिफिकल्ट भी है एक फीमेल के लिए उस टीवी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, काम करना, स्पेशली जो न्यू कमर्स आपको सुनेंगे जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट स्ट्रगल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, डिफिकल्ट है उनके लिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं बोलूँ कि मैंने मेरी लाइफ कभी भी प्लान नहीं की, आई नेवर प्लान टू बी एन एक्ट्रेस, आई एम जस्ट एक्ट्रेस बाय लक, यू नो माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू कम, यू नो कि तुम कुछ करती नहीं आफ्टर मैरिज, एंड ऐसा मेरा फोटो आया, देन आई केम टू मुंबई इन 2004, आई वाज ऑलरेडी मैरिड देन। तो मैं जब भी जाती थी कहीं ऑडिशंस के लिए, कहीं सीरियल के लिए, कुछ एड के लिए, फिल्म के लिए, तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई एम मैरिड। मुझे याद है कम से कम मुझे 15 जन ने बोला होगा टोटल उस 3-4 साल में, ऐसा मत बताया करो तुम मैरिड हो, कभी काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है नहीं मिले भाई, मैं घर पे बैठूंगी, चलेगा मेरे को, आप मैरिड हो ये बताओ तो काम नहीं मिलेगा। हाँ ये मुझे कम से कम 15 अलग अलग लोगों ने बड़े 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 फिल्म प्रोडक्शन हाउस में बोला गया है मुझे कि काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है दैट्स ओके। मुझे याद है एक दूरदर्शन का एक सीरियल मिला था, उसमें 3 बहनें थी जिसमें मेरा सबसे बड़ा रोल था, एंड वो लेडी ने मेरे को जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू था उन्होंने मुझे फोन करके बोला आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपका मैं आपको बात कर रही हूँ 2005 या 2006 की, तो बोले आपका मेन रोल है, सबसे बड़ी बहू है फलाना ठिकाना, और समथिंग आपका 2000 रुपीज पर डे होगा, ऐसा कुछ 2000 वाज अ बिग थिंग टू स्टार्ट विद दैट टाइम। तो मैंने कहा ओके, तो बस और कुछ नहीं है, बस प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा सा कभी कॉफी चाय पे चले जाना और खाना खा लेना। मैंने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बोले नहीं बेटा तू ऐसा करेगी ना तो तू जिंदगी भर दाल रोटी खाएगी। मैंने कहा मुझे दाल रोटी ही पसंद है आंटी, मुझे और कुछ नहीं पसंद है, करके कैप द फोन। सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैरी योरसेल्फ।